सिटी प्रेस क्लब की ओर से राजधानी जयपुर में पीपीएल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में आज फाइनल मुकाबला खेला गया है। फर्स्ट इंडिया न्यूज पीपीएल का उप विजेता बना है। आज खेले गए खिताबी मुकाबले में दैनिक भास्कर की टीम ने पहले खेलते 176 रन बनाए और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। फर्स्ट इंडिया चैनल है, जगदीश चंद इस दौरान पहुंचे। आज ये मैच खत्म हुआ लेकिन फाइनल तक पहुंचने के साथ फर्स्ट इंडिया टीम का सफर यहीं रुक गया। उप विजेता की रह सकी टीम, दैनिक भास्कर की टीम ने पहले खेलते हुए 176 रन बनाए और जवाब में फर्स्ट इंडिया की टीम ने 158 रन बनाए। फर्स्ट इंडिया चैनल है, जगदीश चंद्र को आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं जिन्होंने वहां पहुंचकर दोनों टीमों को बधाई दी। पिंक सिटी प्रेस क्लब द्वारा आयोजन किया गया था पीपीएल टूर्नामेंट का, यह हम तस्वीरें आप देख रहे हैं जब चैनल है स्टेडियम पहुंचे, विजेता उप विजेता दोनों ही टीमों से मुलाकात की और बधाई दी। ये आप देख सकते हैं जब ग्राउंड में पहुंचे फर्स्ट इंडिया चैनल है, जगदीश चंद्र यहाँ सभी खिलाड़ी थे, उनका भी उत्साह वर्धन किया। तो लगातार ये टूर्नामेंट जारी था, एक के बाद एक मैच होते रहे और फाइनल में पहुंची फर्स्ट इंडिया टीम और दैनिक भास्कर और दोनों के बीच में ये फाइनल मैच खेला गया। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं जब मंच पर पहुंचे फर्स्ट इंडिया चैनल है, जगदीश चंद्र और यहां पहुंचने के साथ ही तो ये मैच खत्म हुआ और अब विजेता उप विजेता टीम दोनों की मौजूदगी है। जहां दैनिक भास्कर ने जीत दर्ज की है इस टूर्नामेंट में, तो वहीं फर्स्ट इंडिया टीम उप विजेता रही लेकिन शानदार खेलकर फाइनल तक जगह बनाई फर्स्ट इंडिया टीम ने। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब फर्स्ट इंडिया चैनल है, जगदीश चंद्र पहुंचे हैं मुख्य अतिथि के तौर पर और अब यहाँ सभी क्रिकेटर्स का उत्साह वर्धन यहाँ पर क्या, जहाँ फर्स्ट इंडिया जो कि विजेता रही उनके टीम के लिए ये ट्रॉफी दी जा रही है। अमित बाल्यान को ये ट्रॉफी भेंट की गई। शानदार खेला टीम ने लेकिन कहीं ना कहीं जीत दर्ज नहीं कर सकी है टीम। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं लेकिन अच्छा लक्ष्य यहाँ पर दैनिक भास्कर ने पहले खेलते हुए दिया, 176 रन का लक्ष्य दिया और अब ये देख सकते हैं आप, ये दैनिक भास्कर टीम को जीत के लिए ये ट्रॉफी दी जा रही है जिन्होंने 176 रन का लक्ष्य रखा लेकिन फर्स्ट इंडिया ने 158 रन बनाए और उसके साथ ही उप विजेता ही इस टूर्नामेंट की रही और दैनिक भास्कर ने ये खिताब ये जीत अपने नाम दर्ज की। दोनों ही टीम के कैप्टन ने ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। लेकिन मैं इस मौके पे भास्कर टीम को बधाई देने के साथ साथ अपनी टीम को यह सलाह देना चाहूँगा कि ये केवल भारतीय के सहयोग होता है क्रिकेट मानता हूँ, लेकिन हमें और अच्छा करना है, और अच्छा बनना है। अगली बार मैच भी जीतना है और उसके साथ साथ रोज का जो कंपटीशन है आपस में हेल्दी कंपटीशन है उसमें भी टक्कर देनी है। क्यों महेश, तो एक अच्छा प्रयास है, एक अच्छी टीम है दोनों, खुशी में आगे सबसे मिल के और खुशी की बात है कि मन साहब भी आए हैं। आप सबका स्वागत, आप सबको बधाई एंड बेस्ट ऑफ लक। वी वर्क टुगेदर, वी विल वर्क टुगेदर। Thank you, sir.
पिंक सिटी प्रेस क्लब की ओर से राजधानी जयपुर में पीपीएल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था और प्रतियोगिता में आज फाइनल मुकाबला खेला गया। और आपको बता दें कि इसमें भास्कर की टीम विजेता रही है, दैनिक भास्कर विजेता बनी है, फर्स्ट इंडिया न्यूज की टीम।